सब्सक्राइब कीजिए बिंग फिजिक्स चैनल को और बेल आइकन दबाइए फिजिक्स को आसान तरीके से सीखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं प्रकाश मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल बीइंग फिजिक्स पर एक बार और आ गया हूं। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट 11th के हीट से स्टार्ट करने वाले हैं। आपने नाम जरूर सुना होगा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखो इसकी ना बहुत लंबी कॉन्सेप्ट है, तो कई सारे पार्ट्स आएंगे थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो आज इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें हम लोग थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या होता है, टेम्परेचर और हीट में क्या रिलेशन है, टेम्परेचर क्या होता है, हीट क्या होता है, और टेम्परेचर का मेजरमेंट, जैसे टेम्परेचर को किसी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के जो डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स होते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्लियर है? तो आज स्टार्ट करते हैं हम थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर आपने स्टार्ट करा और इसको आप कर लो थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर #1। तो आपने क्या करना है, सीधा अपने यूट्यूब चैनल पे बीइंग फिजिक्स थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर #1 डालना है, आपको इसका part 1। इसी तरह फिर part 2 part 3 पूरे चैप्टर को मैं सिखाने जा रहा हूं आपको। क्लियर? तो देखो थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, वर्ड से ही आपको क्लियर हो रहा है कि थर्मल का मतलब होता है भाई हीट, और प्रॉपर्टी ये तो इंटरनल प्रॉपर्टी है, और मैटर, मैटर के बारे में आपको मैं थोड़ा बताते चलूं। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास, किसी भी चीज जिसमें मास हो और वह स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो कहलाता है आपका मैटर। तो मैटर हीट के साथ कैसा बिहेव करती है? अब देखो मैटर तीन स्टेट में है आपके पास, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो सॉलिड या लिक्विड या गैसेस मटेरियल्स को, मैटर को जब हीट मिलता है तो कैसे बिहेव करते हैं, इस पूरे चैप्टर में इसकी पढ़ाई हम लोग करने वाले हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं आपको डिफाइन करने जा रहा हूं हीट क्या होता है। ठीक, देखो हीट का मतलब होता है कि जब भी किसी बॉडी में, ऐसे तो नॉर्मली आप जानते हो कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अ सबस्टेंस हॉटर। हीट एनर्जी का वो फॉर्म है जो किसी सबस्टेंस को हॉट बनाता है। ठीक है? तो लेकिन अगर इसकी कॉन्सेप्ट समझने की बात हो तो हीट के बारे में कई सारी थ्योरीज आई थी। सबसे पहले इसकी कैलोरी थ्योरी, कैलोरी ने दिया था, कैलोरी एक साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था कि हीट एक फ्लूइड है, हीट एक फ्लूइड है जो किसी बॉडी के अंदर जब जाता है तो उसकी टेम्परेचर को राइज कर देता है, और जब किसी बॉडी से बाहर आता है तो वो उसके टेम्परेचर को फॉल करा देता है, मतलब टेम्परेचर उसकी डाउन हो जाती है। लेकिन बाद में एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकाला गया कि हीट फ्लूइड नहीं है, हीट फ्लूइड तो नहीं है, हीट एक एनर्जी का फॉर्म है जो किसी बॉडी के टेम्परेचर को राइज करता है। तो फाइनली आपको हीट का डेफिनेशन समझ में आ गया कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अ सबस्टेंस हॉटर। क्लियर है? अच्छा, हीट इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अ सबस्टेंस हॉटर, ये आपका हीट का डेफिनेशन हो गया। क्लियर है? जैसे ही आपको हीट समझ में आता है तो आप कहोगे भाई इसका एसआई यूनिट क्या होता है, हीट का एसआई यूनिट क्या होता है। तो हीट का एसआई यूनिट, हीट का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है जूल, और सब यूनिट कैलोरी भी हम लोग यूज करते हैं हीट के लिए, लेकिन जो एसआई यूनिट है वो है जूल। क्लियर है? अब किसी भी बॉडी के अंदर जब हीट आती है तो उसका टेम्परेचर राइज कर जाता है, बढ़ जाता है, और जब बॉडी से हीट को हम बाहर निकाल लेते हैं तो उसका टेम्परेचर फॉल हो जाता है। तो हम अब बताने वाले हैं आपको कि टेम्परेचर क्या होता है। देखो टेम्परेचर का मतलब होता है द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। कोई भी बॉडी कितना ज्यादा हीटअप है और कितना ज्यादा कोल्ड अप है, मतलब कितना ज्यादा हॉटर है या कितना ज्यादा कोल्डर है, इसकी लिमिट, इसकी वैल्यू, एक्सटेंट जिससे हम मेजर करते हैं वो चीज हमारा क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है। क्लियर है? तो द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड
कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर वो है जिससे हम किसी बॉडी के हॉटनेस और कोल्डनेस के लिमिट को, एक्सटेंट को पता कर सकते हैं कि आखिर वो बॉडी कितना हीट है या कितना कोल्ड है। क्लियर है? अब देखो टेम्परेचर ना हर जगह एक नहीं होती है, टेम्परेचर का डिफरेंट डिफरेंट रेंज होता है, क्योंकि कई बार हमें अपने बॉडी का भी टेम्परेचर मेजर करना होता है और कई बार हम लैब्स के अंदर केमिकल्स का भी टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो हर जगह ना बॉडी का टेम्परेचर वैरी करता है और बहुत ज्यादा रेंज तक वैरी करता है, इसीलिए अलग अलग चीजों का टेम्परेचर हमें मेजर करना होता है अलग अलग स्केल से। तो अब हम बात करेंगे डिफरेंट स्केल्स फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताते चलूं एसआई यूनिट जो टेम्परेचर का होता है वो होता है केल्विन। एसआई यूनिट टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन। वैसे टेम्परेचर के बहुत सारे सब यूनिट्स भी हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन, रूमर एक्सेट्रा, बट ये जो है एसआई यूनिट है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे आप एक स्केल ऑफ टेम्परेचर से दूसरे स्केल ऑफ टेम्परेचर में कन्वर्जन कर सकते हो। यानी सपोज करो आपको मैंने केल्विन में दे दिया और आपसे मैं फारेनहाइट में पूछ रहा हूं, या फिर मैंने डिग्री सेल्सियस में दे दिया और केल्विन में पूछ रहा हूं। तो डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर का मेजरमेंट हम कैसे करने वाले हैं, तो आइए सीखते हैं। तो टेम्परेचर के डिफरेंट स्केल्स की बात करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। देखो मैं चार स्केल ले लेता हूं, सपोज करो कि मैंने ऐसे ना चार स्केल ले लिए, ये मैंने चार स्केल बना दिया। यहां है लोअर वैल्यू और पहले स्केल का नाम दे दिया मैंने सेल्सियस और इसकी लोअर वैल्यू हो गई जीरो और अपर वैल्यू जो होती है इसकी होती है 100। क्लियर है? उसके बाद मैंने ले लिया आपका फारेनहाइट, इसकी लोअर वैल्यू आपकी होती है 32 और अपर वैल्यू होती है 212। क्लियर? फिर मैंने ले लिया केल्विन, इसकी लोअर वैल्यू होती है 273 और अपर वैल्यू होती है 373। फिर मैंने ले लिया रूमर और इसकी लोअर वैल्यू होती है 0 और अपर वैल्यू होती है 80। तो ये चार स्केल मैंने लिया, कौन कौन सा? डिग्री सेल्सियस का, फारेनहाइट का, केल्विन का और रूमर का। क्लियर? ये नीचे मैंने लिखी सबकी लोअर वैल्यू और ऊपर लिख दी मैंने सबकी अपर वैल्यू। ठीक है? अब मैं इन चारों स्केल के अंदर एक रिलेशन बनाना चाहता हूं, एक ऐसा फॉर्मूला बनाना चाहता हूं जिससे मैं किसी एक टेम्परेचर, किसी एक गिवन टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर स्केल में उसे कन्वर्ट कर सकूं। तो देखो तरीका क्या है। तरीका आपने क्या करना है कि नेम ऑफ स्केल, नेम ऑफ स्केल माइनस लोअर वैल्यू अपॉन में अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, ये आपको याद रहेगा। कोई भी टेम्परेचर के स्केल में एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट अगर आप करना चाह रहे हो तो वहां पे आपने यूज क्या करना है, नेम ऑफ स्केल माइनस उसकी लोअर वैल्यू अपॉन में अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, ये आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है। क्लियर है? अब देखो जैसे मैं यहां पर इन चारों स्केल के लिए बनाना चाह रहा हूं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिग्री सेल्सियस की। तो डिग्री सेल्सियस का नेम ऑफ स्केल हो गया सी, माइनस इसकी लोअर वैल्यू हो गई 0 और अपर वैल्यू हो गई 100, माइनस लोअर वैल्यू हो गई 0। तो फाइनली आपको मिला सी बाई 100। क्लियर है? इसी तरह फारेनहाइट के लिए लिखो, तो नेम ऑफ स्केल फारेनहाइट माइनस लोअर वैल्यू 32 अपॉन में अपर वैल्यू 212 माइनस लोअर वैल्यू 32 और आपको मिल जाएगा एफ माइनस 32 अपॉन 180। क्लियर? थर्ड स्केल आपका केल्विन, तो नेम ऑफ स्केल आपका हो गया केल्विन माइनस 273 अपॉन में 373 माइनस 273 एंड व्हाट यू विल गेट, केल्विन माइनस 273 अपॉन में 100। जो लास्ट स्केल है आपका रूमर, उसके लिए आप क्या करने वाले हो, आप लिखोगे आर माइनस 0, क्योंकि लोअर वैल्यू रूमर की कितनी है 0 अपॉन में 80 माइनस 0 और फाइनली आपको मिल जाएगा आर बाई 80। अब आपने क्या सोचना है, ये जो चारों एक्सटिंक्ट वैल्यू आपको मिली, डिस्टिंक्ट वैल्यू मिली, उन चारों को आप कर दो इक्विवेलेंट, एक दूसरे के बराबर, तो आपको फाइनली फॉर्मूला मिलेगा C by 100 F minus 32
एफ माइनस 32 अपॉन 180 इक्वल केल्विन माइनस 273 अपॉन में 100 इक्वल रूमर बाय 80। ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन से आप किसी एक स्केल ऑफ टेम्परेचर से दूसरे स्केल ऑफ टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको दिख रहा है यहां पे, आप अगर चाहते हो कि आपके पास क्वेश्चन के अंदर फ़ारेनहाइट गिवन है और आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो फिर फ़ारेनहाइट वाले डाटा को केल्विन के इक्वल कर लो, वहां एक की वैल्यू पुट करो दूसरा निकल जाएगा। इसी तरह सेल्सियस से रूमर में, रूमर से फ़ारेनहाइट में, किसी से आप कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, कोई कहता है कि भाई इतना करने की क्या जरूरत है, केल्विन को मैं ऐड कर लूं सेल्सियस में, आप वैसे भी कर सकते हो क्योंकि जब इसको इक्वल करोगे तो बेस वाला 100 कैंसिल हो जाएगा और ये 273 आके ऐड हो जाएगा। तो ये मैंने एक फॉर्मूला आपको दे दिया जिससे आप कोई भी यूनिट को आपस में एक्सचेंज कर सकते हो, टेम्परेचर के डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स की मेजरमेंट कर सकते हो और एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो थर्मल प्रॉपर्टी की बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि हीट और टेम्परेचर होती है, और टेम्परेचर का मेजरमेंट, टेम्परेचर का एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्जन, ये वीडियो आपको सिखलाएगा। थर्मल प्रॉपर्टी की नेक्स्ट ये सीरीज 1-2 चलती रहेगी और इसमें आप इसकी पूरी कहानी, थर्मल प्रॉपर्टी की पूरी कॉन्सेप्ट बारी बारी से हम लोग सीखेंगे। तो ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहो और मैं आपके लिए फिजिक्स की पूरी बात आसान लैंग्वेज में देने की कोशिश करूंगा। ओके, अगेन थैंक्स to all of you for supporting and watching Being Physics.